जिसमें दो लड़कियों के साथ वहां के दरिंदे बलात्कार कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनको विदाउट ड्रेसअप के घसीट कर लेके जा रहे हैं। मैं वहां के सीएम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोगों से वहां पे लॉ, मैं मणिपुर स्टेट की बात करना चाहूंगा, कल से जो आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो, एक वीडियो क्लिप जो देखा होगा वायरल होता हुआ, जिसमें कुछ दरिंदे दो लड़कियों के साथ गलत करते हैं, आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली होगी। मणिपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, शायद अभी तक आप लोगों को किसी ने बताया नहीं होगा, कांगपोपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आप लोगों ने का सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो क्लिप जो वायरल होता हुआ देखा होगा, जिसमें दो लड़कियों के साथ वहां के दरिंदे बलात्कार कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनको विदाउट ड्रेसअप के घसीट कर लेके जा रहे हैं। मैं वहां के सीएम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोगों से वहां लाइन ऑफ ऑर्डर है, आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, आप लोग जो आपने चेयर को छोड़ देना, अगर आप लोगों से मेंटेन नहीं हो रहा है, पूरे 6 महीने हो गए हैं वहां पे दंगे हो रहे हैं, लोगों के मकान जल रहे हैं वहां पे, पता नहीं एक दिन में कितने डेड बॉडीज वहां पे उठ रही है, आप लोगों से अगर नहीं देखा जाता कोई मसला नहीं है, आप लोग सैड हो जाओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी नए सीएम को वहां पे भेज देगी, अगर सीएम का वहां पे मसला नहीं है कम से कम वहां पे किसी पढ़े लिखे लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज देगी। और खासतौर पर मैं वहां के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव सिंह आईपीएस 1993 बैच के हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको लगता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हालात खराब है, आप लोग जो उस डिस्ट्रिक्ट को लॉ कर दो, कर्फ्यू लगा दो, कोई भी कम से कम वहां पे लोग तो सेफ रह पाएंगे, इस तरीके की वहां पे गुंडागर्दी चल रही है मणिपुर के अंदर, आखिर हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है इतने अच्छे अच्छे काम कर रही है, लाइक टू आप देख सकते हैं कितनी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन एक स्टेट के अंदर मणिपुर के अंदर वहां के अगर सीएम साहब अगर लाइन ऑफ ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्टर वहां भी जो पावर है पुलिस को दे दो, पुलिस अपने तरीके से वहां पे कम से कम उन लोगों को तो बचा सकती है, आप लोगों के प्रेशर होते हैं वहां पे, आप लोग अपनी पॉलिटिक्स को देखकर उसी को देखते रहते हैं, तो वहां पे लोगों की जाने निकल कर जा रही है, ये कब तक आखिर मणिपुर का हालात कब तक ठीक होंगे। मैं खासतौर पर यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और खासतौर पर वहां हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, वहां के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, कम से कम वहां के लोगों की सेफ्टी के लिए जो है मणिपुर के अंदर जो है ऐसा कुछ स्टेप लिया जाए जिसकी वजह से हमारी वहां की जो बहनें हैं, वहां के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, कम से कम वो अपनी चैन की जिंदगी तो जी सकें, कम से कम उन लोगों के ऊपर इस तरीके का जुल्म तो ना हो। लेकिन खैर वहां के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और मैं उनको भी मारे बात एंड में देना चाहूंगा, क्योंकि वहां की पुलिस की 12 टीमें जो है फील्ड में निकल चुकी हैं, उन दरिंदों को अरेस्ट भी कर लिया है, लेकिन फिर भी जो लोग घूम रहे हैं इन लोगों के साथ लीगल एक्शन लिया जाए, ताकि दोबारा जो है उस स्टेट के अंदर, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरीके की इनलीगल एक्टिविटीज ना हो, और हमारी जो वहां की जो हमारी बहनें हैं किस्म की वो हैं, कम से कम वो अपनी लाइफ को सेव कर पाएं।